2.2 में आज फिर से लग रहा है जनता दरबार। आज से लखनऊ में सीएम आवास पर लग रहा है जनता दरबार, और साथ ही देखिए सीएम क्योंकि यहां पर जनता की समस्याएं सुनेंगे। सीएम आवास पर जनता की भीड़ उमड़ चुकी है, सीएम योगी खुद जनता की शिकायतों को सुनेंगे और साथ ही जन शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो देखिए, ये देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जनता जुटनी शुरू हो गई है अपनी अपनी समस्याओं को लेकर। योगी 2.2 में आज फिर से जनता दरबार लग रहा है। आठ महीने से मेरा नियुक्ति पत्र रोका हुआ है, काउंसलिंग हो गई है, डीएम ने भी गुहार लगा दी यहाँ तक कि बेसिक शिक्षा सचिव अधिकारी ने भी गुहार लगा दी, लेकिन सचिव जी नियुक्ति पत्र दे ही नहीं रहे हैं। मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया तो गुजारे भत्ते के लिए आए हैं, और उसमें जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें रैंडम अप्रोच के लिए आए हैं। के मार्फत से पैसा लगाया था, हमारा पैसा सारा डूब गया, हमने बीवी के गहने बेचकर सारा पैसा जमीन लिया था। आए हैं तो आज उम्मीद है कि हम उस जन सुनवाई में हमारी सुनवाई होगी। विशाल जीबीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, जनता दरबार आज लग रहा है, सीएम जनता की समस्याओं को सुनेंगे और जनता पहुंचने भी लग गई है अपनी अपनी समस्या लेकर। देखिए बिल्कुल, आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि ये इस वक्त की तस्वीरें हैं और मुख्यमंत्री आवास के बाहर की ये तस्वीरें हैं, और ये तौर पर कह सकते हैं कि अब जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं वो ये है कि चूंकि 9 बजे से जनता दरबार शुरू होगा तो उससे पहले तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम सीधे बात भी करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जबिया अंसारी है, मैं जनपद भदोही दुलमदासपुर सरोही से आए हैं। हमारा जो जमीन का विवाद है सर, और जो है हमारे ज़मीन के पीछे हमारा चारागाह का ज़मीन है, वो जो अरशद पुत्र अलाउद्दीन का है, वो जो हमारे ज़मीन से रास्ता लेना चाह रहा है, जो हम नहीं दे रहे हैं, तो वो जो है उसमें 3 शेड लगाए हुए हैं, तो वो हमारा जो है उम्मीद है कि यहाँ पे मदद मिलेगी। यहाँ पे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो सहायता करेंगे। एक मेरा बेटा है उसको जान की मारने की धमकी देते हैं, मेरे हस्बैंड को मार के। और भी है दादाजी, कहाँ से आई हैं आप? हम भाई फरुखाबाद से आए, मुरास कन्हैया के पास। क्या क्या समस्या है मुख्यमंत्री जी? जगह जमीन है हमारी, मालूम बनवा लोग कब्जा नहीं करने देते हैं, और जब हम मारपीट करते हैं और जब उठा उठते हैं जबरदस्ती। उम्मीद है कि यहाँ मदद मिलेगी, हमारी जमीन हमारी दही जाए। देखिए तमाम लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। बताइए क्या समस्या लेकर आए हैं यहाँ पर? सर मेरे भाई आर्मी में थे, चीन बॉर्डर पे शहीद हो गए, जिनका नाम कृपा शंकर था। आज 4-5 महीने हो गए, लेकिन अभी हमें कोई इस राज्य की सहायता हमारे परिवार को नहीं मिला है। हम आजमगढ़ से आए हैं सर। आज उम्मीद है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे तो मदद होगी। जी मुख्यमंत्री जी से मिल जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा सर। हमसे 4-5 महीने से मिलने कोशिश कर रहे हैं, अभी मिले नहीं है, देख लीजिए हमारा पूरा डॉक्यूमेंट है सर। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, बातचीत करेगा और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के इस कदम को कैसा देखते हैं ये लोग, जनता दरबार जो लगाया जा रहा है इस पर भी बातचीत करेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका विशाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज से सीएम आवास पर जनता दरबार लग रहा है और अपने अपने समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं लोग, और साथ ही उम्मीद है कि जल्दी ही उनके समस्याओं का निवारण भी हो जाएगा।